आयरन सेट डबल पे है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुह। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से? आप अच्छे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से एक हमारा नया व्लॉग। फिर से आज वही है भैया, काम है, ठीक है। हालत नहीं देखो, सिर्फ काम देखो, मैं क्या क्या काम करता हूँ। आज देखो ये टीन है ना, ये टीन खोलना है पूरे, इसके नीचे सपोर्ट नहीं है। अब किस तरह से मैं खोलने वाला हूँ मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ये काम तो पकड़ लिया हूँ। तो इंशाल्लाह ये टीनों को खोल के इंशाल्लाह दे दूँगा। अभी इसको कटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर करंट सप्लाई नहीं है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड में जो चिड़िया आप देख रहे हैं ना, कितने प्यारे यार। ये देखो ये झाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, पीले पीले छोटे 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 चिड़िया हैं। चलिए अभी ये काम शुरू करते हैं अपना, बिस्मिल्लाह। देखो सब मशीन वशीन सब है, लेकिन यहाँ पर करंट ही नहीं है सप्लाई, थोड़ा मुसीबत का काम है ये। जैसा भी हुआ जो भी हुआ, एक आदमी अकेला ही हूँ, इतना बड़ा संगम है यार, एक आदमी तो इधर रुक सकता है, लेकिन कोई नहीं रुका। जैसे मैं बोला, वो मेरे को बोलते लेबर क्यों नहीं लाए, तो मैं बोला यार लेबर की क्या ज़रूरत है, इसको एक लेबर को बुलाएंगे तो वो 500-600 रुपया मांगता है, इसीलिए मैं अकेला ही हूँ। तुम लोग जैसे मैं बोला तुम लोग हैं ना, तो वो लोग सब भाग गए। खैर कोई नहीं, मैं खोल दिया। देखो इधर सब टीन निकाल दिया, इधर सब निकाल दिया, पैंप कट कर दिया, जितने सारे टीन थे ये साइड डाल दिया और कुछ वो साइड डाल दिया। डन भैया डन, अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे अभी दूसरा जगह, दूसरी काम पे। तो भाई साहब क्या हाल है, ठीक है सब बढ़िया? सेकंड काम पे हम आ गए। देखो फ्रेम सेट हो गया, दिखाता हूँ फ्रेम, ये हो गया जी फ्रेम सेट डबल पे है। अभी इसके ऊपर टीन चढ़ाना मसला, डेंजर यहाँ पर यह है करंट की लाइन। सामने का जो फ्रेम है उसको थोड़ा सा वेल्डिंग बाकी है, वो कर देंगे, फिर जो है हम टीन चढ़ा देंगे। तो भैया लास्ट वीडियो में कमेंट आया कि भैया पैसा भी बता दिया करो, तो देखो पैसा मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं गांव में काम कर रहा हूँ, और जो मटेरियल है ना मैं उन्हीं से मंगाता हूँ जिसका काम होता है। मैं मंगा के मैं खुद ला के नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा चलेगा नहीं, इसीलिए जो है ना उन्हें वो लोग ही लाएंगे, मैं सिर्फ अपना काम का पैसा लेता हूँ। काम का पैसा हर जगह सेम नहीं होता है, इसीलिए मैं प्राइस कभी नहीं बताता, क्योंकि कहीं कैसा कहीं कैसा कहीं कैसा ऐसा होता है भाई। अब मैं एक जगह एक बताऊँगा ना तो सब लोग वीडियो देखते हैं, फिर वही बोलेंगे कि भैया वहाँ इतना लिया हमको इतना क्यों, ठीक है ना, इसीलिए प्राइस नहीं बताता। बस ऐसा काम चल रहा है आपके भाई का, गरीब हूँ यार, करना पड़ता है, मेहनत नहीं करूँगा तो रोटी नहीं खा पाऊँगा, इसीलिए अल्लाह करीम। देखो अभी बाहर का कुछ यूँ है, ये प्लेयर नहीं है, हेटकरों से खड़ा किया हुआ, ये बहुत हिल रहा है, वो साइड भी सेम है। अभी भी हम टीन चढ़ाती तुम क्या करती, अभी भी खाली 20 मिनट का काम था। देखो बारिश बारिश बारिश, खाली दो पाइपों को स्क्रू मार दिया तो खत्म हो गया था कहानी। अल्लाह यार मुश्किल है, थोड़ा सा चांस दे दिया तो हो गया था यार। पानी बारिश गिर के टेस्टिंग भी हो रही है कि अब कहाँ से पानी लीकेज मार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, हालत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई आज तो, दिखाने के काबिल नहीं है, फिर भी आप लोग देख लो यार, काई की शर्म काम में। तो भाई थंबनेल में आपने देखा होगा 10,000 रुपया लिखा हुआ, वो तो मैं ऐसे ही लिखा हुआ हूँ 10,000 रुपया, मैं प्राइस बताऊंगा ही नहीं, कभी भी नहीं बताऊंगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा काला हो गया, और भाई सबसे ज़्यादा डर मेरे को जो है ना इसी काम में लग रहा था, क्योंकि ये साइड में देखे तो सीधा करंट के वायर है, टीन गिरेगा पाइप गिरेगा तो सीधा करंट लगेगा, या मैं गिरूंगा तो फिर समझो गए ही गए, तो बस क्यों, और ऊपर से बारिश भी हो गई तो पैर स्लिप होने के चांसेस होते टीनों के ऊपर।
तो बहुत डरते डरते मैं जो है ना काम किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी काम जो है ना मुकम्मल कर लिया। और इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेरा हालत खराब हो गई थी, एकदम फेस पूरा काला काला हो गया था, क्योंकि जो पाइप थे ना वो पाइप पानी की वजह से जंग पकड़ लिए थे। इसीलिए होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्राइस बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताएंगे तो मेहरबानी आप सब लोगों की। अब नेक्स्ट वीडियो जो है ना आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं किचन अभी किचन बना रहा हूँ, छोटा सा किचन, तो वो किचन की वीडियो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने लिए ही बना रहा हूँ छोटा सा किचन, भैया वेल्डिंग का काम करने वाला बंदा खुद वेल्डिंग करके ही बनाता है, तो अपने घर के लिए छोटा सा किचन बना रहा हूँ। तो जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।